लिए और इस पर आप लोग अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये चल रहा है। अच्छा, हमारे क्या बना हुआ है, हमारे पास हेलो वर्ल्ड सर्वर बना हुआ है, ई एस मॉड्यूल वाला, जो नया वाला एम जे एस फाइल वाला है वो बना हुआ है हमारे पास। अच्छा, इसमें एक सर्वर की फाइल है, एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल है, गेट इग्नोर है और नॉट मॉड्यूल है। ये सब हम देख चुके हैं अभी क्या होता है, ठीक है। अगर क्योंकि पहली दफ़ा में ना सब चीज़ें फिट नहीं होती माइंड में, तो इसलिए वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है। अगर किसी ने कोई मिस कर दिया हो ना स्टेप, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था वो स्टेप हो गए थे कि सर वो पैकेज डॉट जेसन बना गया सर, तो वो रिकॉर्डेड है, उसको आप अगर कभी भी भूल जाएँ ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी, तो वो एज अ बुक, एज अ हैंड बुक आपके पास है, तो आपने वो खोल के देख लेना है कि क्या स्टेप था। अच्छा, तो ये ऐप बनी बनाई हमारे पास तैयार है। अब हमने अगला काम ये करना है कि इसको क्लाउड में डिप्लॉय करना है। अच्छा, क्लाउड में डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। कोई भी ऐसा क्लाउड जो नॉट जे एस को सपोर्ट करता हो, ठीक है, कोई भी ऐसा क्लाउड, तो मैं लिखूंगा नॉट जे एस क्लाउड, तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ जाएगी बहुत सारी। वेल, लिस्ट तो नहीं आ रही, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ। हिरोकू वॉज द नंबर वन चॉइस सब लोगों के लिए, ठीक है। ये हिरोकू की शक्ल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपना फ्री ट्रायल जो है वो इन्होंने बोल दिया कि हम ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है, साइक्लिक के नाम से एक क्लाउड जो आजकल बड़ा चल रहा है, ठीक है, cyclic.sh, ये है वो, ठीक है, फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट ऐप। अच्छा, जो दूसरा वाला सेक्शन है उनको मैंने ना साइक्लिक पर डिप्लॉय करना सिखाया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी लगी हुई है ना। आपका सेक्शन बी है, जो दूसरी क्लास चल रही है यहाँ पे आपके पैरेलल में, वो सेक्शन ए है, तो उनको मैंने साइक्लिक पे करना बताया था, उसकी रिकॉर्डिंग है। तो अभी अब की बार हम कोई दूसरा ट्राई कर लेते हैं। तो हमारे पास एक और मौजूद है, रेलवे ऐप करके ना, सही है, रेलवे डॉट ऐप, ये करके जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन नज़र आ जाएगी। अच्छा, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। हमने जस्ट क्या करना है, अभी इसके ऊपर अपनी ऐप को भेजना है। अब कैसे भेजेंगे हम, सबसे पहले इस पर आके मैंने क्या कर लिया, लॉगिन कर लिया, सही है, लॉगिन का बटन क्या हुआ ये, हाँ, लॉगिन प्रेस किया मैंने, तो ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसने कहा कि ईमेल से लॉगिन कर लो आप, या तो गिटहब से कर लो। मैंने कहा गिटहब से, आसान है, गिटहब से लॉगिन कर लो, और मैंने कनेक्शन भी इसका गिटहब से ही करना है। मैं इसको बता दूंगा गिटहब की रिपोजिटरी ये वाली है और हो जाएगा, सही है। ये हो गया लॉगिन। लॉगिन होने के बाद मुझे इसने कुछ इस तरह की ऐप का डैशबोर्ड दिखा दिया। मेरे पास एक ऐप पहले से इस पर डिप्लॉय है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है उसको, ठीक है। मैंने बोला है इसको न्यू ऐप। अच्छा, न्यू ऐप जैसे ही मैंने बोला, तो इसने कहा भाई कैसे करोगे आप डिप्लॉय, डिप्लॉय फ्रॉम गिटहब रिपोजिटरी। मैंने कहा भाई मैं गिटहब से करूँगा। तो अब मैं करूँगा क्या असल में, कि अपनी जो ऐप है उसकी एक रिपोजिटरी बना के उसमें डाल दूंगा अपनी ऐप, और वो यहाँ पे बता दूंगा मैं। लेकिन अभी जो है ना मेरी ऐप असल में वो रिपोजिटरी में बहुत कुछ है, तो मैं एक नई रिपोजिटरी बना लेता हूँ। उसका नाम क्या रख देते हैं, github.com पे मैं गया, और github.com पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे, मैं पहले से लॉगिन हूँ, तो मैंने न्यू रिपोजिटरी का बटन दबा के मैंने क्या बोला, हेलो वर्ल्ड सर्वर रेलवे ऐप, सही है। और ये करके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, दिस रेपो वॉज क्रिएटेड इन अ क्लास एज डेमो, ठीक है, ताकि बाद में वही बोले उसको पता चले अच्छा ये क्लास में पढ़ाते हुए हैं, क्रिएट रिपोजिटरी। इसी तरह करते थे हम शुरू में, हमने रिपोजिटरी बनाई थी। ये इसका URL आ गया, इस URL को मैंने क्या कर लिया, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, और अब मैं अपने कंप्यूटर में किसी भी जगह आके, मोस्ट प्रोबेबली डेस्कटॉप पे आके कैसे करता हूँ, हाँ, टर्मिनल, और मैं CD करके डेस्कटॉप पे मैं चला गया, ठीक है। अभी मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट क्लोन, और वो URL पेस्ट किया, तो मेरे पास ये क्लोन होकर आ गया, सही है। अब ये क्लोन होके आ गया, मैंने क्या करना है, CD और हेलो वर्ल्ड रेलवे ऐप के अंदर चला गया, कोड स्पेस डॉट VS कोड में, इस एम्प्टी रिपोजिटरी को मैंने VS कोड में ओपन कर लिया, और जो भी कुछ तमाम कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ था, ये नॉट मॉड्यूल से लेके और ये यहाँ तक, इसको कॉपी किया यहाँ से और इस रिपोजिटरी में लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। वो असल में उसी को मैं कर देता, लेकिन उसमें इतना सारा कुछ है ना, वो बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाएगा।
तो मैंने अलग से इसको लाके पेस्ट कर दिया। इस ऐप में मुझे एक छोटी सी चीज चेंज करनी होगी और वो क्या चीज है, ये पोर्ट। मुझे पता है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर ये पोर्ट 3000 अवेलेबल है, लेकिन जहां मैं भेज रहा हूं वहां पे ये पोर्ट अवेलेबल है या नहीं है आई डोंट नो। तो वो लोग बोलते हैं क्लाउड वाले कि हम ना एनवायरनमेंट वेरिएबल में आपको वो पोर्ट लगा देते हैं, तो आप क्या लिखोगे, प्रोसेस डॉट पीएनवी डॉट पोर्ट और 3000। मैं कहता हूँ कि आप जाओगे एनवायरनमेंट वेरिएबल में और पोर्ट के नाम से वहाँ पे एक पोर्ट नंबर पड़ा होगा, वो उठा लो। ये बॉयलर प्लेट कोड है, ये हर दफ़ा आपको इसी तरह लिखना है, ये हर दफ़ा इसी तरह लिखो, ये ऐसा नहीं है ये बार बार चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है, ये हर दफ़ा आपको यही लिखना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि पोर्ट नाम का एक वेरिएबल होगा एनवायरनमेंट में, वो उठा लो आप, वहाँ जो नंबर लिखा हुआ है ना उसके ऊपर रन करो, अगर वो नंबर ना मिले तो ये और लगा के मैंने कहा 3000 पे रन करूँगा। तो जब मैं अपनी लोकल मशीन में रन करूँगा तो मेरी लोकल मशीन में ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं हुआ होगा, तो मुझे 3000 पे रन करके देगा ये, लेकिन जब ये क्लाउड पे जाएगा तो वहाँ पे ये एनवायरनमेंट वेरिएबल इसको मिल जाएगा, तो ये उस नंबर पे रन करेगा। तो ये एक छोटी सी चेंजिंग थी जो मैंने करनी थी। अब मैं इस तमाम के तमाम कोड को कहाँ पुश कर देता हूँ, वापस गिटहब में पुश कर देता हूँ। मैंने कहा कि भाई रेडी फॉर क्लाउड, सही है जी, रेडी फॉर क्लाउड एंड पुश। ओके, अब यहाँ पे जो मेरा github.com पे ये कोड वो सारा पहुँच जाना चाहिए, पहुँच गया वो सारा का सारा कोड यहाँ पे। अब ये जो रिपोजिटरी का नाम है ना, ये मैं रेलवे को बता दूंगा कि भाई ये क्या नाम था रिपोजिटरी का, हेलो वर्ल्ड सर्वर रेलवे ऐप, सही है। तो मैं यहाँ पे जैसे लिखूंगा हेलो, अच्छा नहीं ये आ गया ना, ये रहा, असल में मेरे पास हेलो वर्ल्ड बहुत सारे हैं, इतनी सारी क्लासेस पढ़ाता हूँ सब जगह हेलो वर्ल्ड बनाता हूँ, तो हेलो वर्ल्ड मेरे पास ये आ गया, ये वाला हमारा वाला है रेलवे ऐप। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, इसको जैसे ही क्लिक किया तो ये कह रहे हैं कि डिप्लॉय नाउ का बटन आ रहा है। मैंने कहा डिप्लॉय नाउ, ठीक है, तो ये डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है जी, ये डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं, हाँ अच्छा, अब ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसने मुझे URL नहीं दिया। अब मैं जब डैशबोर्ड पे जाऊंगा ना वापस, मैं डैशबोर्ड पे कैसे जाऊंगा, ये ना डैशबोर्ड ये लिखा हुआ है ऊपर ना, जब मैं डैशबोर्ड पे वापस जाऊंगा तो अब देखो दो ऐप्स आ गई हैं, लेकिन ये जो पहले से डिप्लॉय हुई हुई ऐप थी इसमें URL है, मेरी इस नई ऐप में URL नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये रेलवे के अंदर ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो मैं अपनी ऐप के अंदर जाऊंगा वापस, ये एक्चुअली मैं वहीं पे आ गया हूँ, सेटिंग का बटन दबाऊंगा, और सेटिंग का बटन दबा के ना यहाँ पे किसी जगह पे आ रहा होता है जनरेट URL, वो बटन दबाऊंगा तो मुझे URL दे देगा वो, अरे कहाँ पे था वो बटन, गुम हो गया। ओ असल में मुझे दोबारा से बता रहा हूँ क्या किया, पहले इस पर क्लिक किया, फिर यहाँ पे जो बना हुआ है इस पर क्लिक किया, तो अब आइए ये सेटिंग, ये चुन्नी मुन्नी सी यहाँ पे वेरिएबल है और मैट्रिक है और सेटिंग है, हाँ ये सेटिंग में आके ना ये देख रहे हो ये बटन बना हुआ है जनरेट डोमेन और कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन का मतलब ये आपने अगर वो डोमेन, जैसे मेरे पास है sysborg.com खरीदा हुआ है मैंने, तो मैं वो भी लगा सकता हूँ यहाँ पर, मैंने कहा भाई कि server.sysborg.com, ठीक है, ये जनरेट करेंगे तो ये अपना अपनी मर्जी से एक जनरेट करके आपको दे देगा, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया जनरेट का तो मुझे यहाँ पे इसने देखो क्या दे दिया, ये URL बना के दे दिया। अच्छा अब ये जो URL है मैं इसको क्या करने लगा हूँ, इसको एडिट करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे इतना बड़ा URL नहीं चाहिए, इसमें ये ऑप्शन भी है कि आप इसको छोटा कर सकते हैं। अच्छा असल में ये वाला जो URL है ना ये अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि कौन सा URL अवेलेबल है, जैसे ईमेल होता है ना, जाहिर है इन्होंने क्या लिखा है कि आपकी ऐप का नाम .railway.app, फायरबेस पे भी हमने पहले ऐप बनाई थी तो उसमें भी क्या होता है अवेलेबल होता है तो दे देते हैं नाम वरना नहीं देता। तो मैं देखता हूँ इसमें क्या अवेलेबल है, मैंने कहा कि भाई हेलो, नहीं हेलो अवेलेबल नहीं है, और वर्ल्ड भी लगा देते हैं साथ में, हेलो वर्ल्ड अवेलेबल, तो ये मैंने अपडेट का बटन दबा दिया,
तो ये मेरा URL ना सही हो गया, पहले बहुत बड़ा बना हुआ था लंबा चौड़ा, और ये मैंने इस URL को जब ओपन किया, अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं IP लिखता था ना, अब मैं यहाँ लिखूंगा स्लैश फूड। क्या कह रहा है ये, वन मोमेंट योर डिप्लॉयमेंट लाइव। हाँ अच्छा, वो मेरे ख्याल थोड़ा सा टाइम लगाता है शुरू में। तो अब देखो क्या हुआ, स्लैश फूड लिखा फूड आ गया, और स्लैश वाटर लिखा तो वाटर आ गया, इसके अलावा कोई और भी बात लिखी मैंने तो कैन नॉट गेट 404 आ गया, इसके अलावा किसी तीसरी बात का ये जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, मेरे पास जब लोकल मशीन में ये ऐप चलती थी तो इसके जो लॉग्स थे वो कहाँ आते थे, मेरे टर्मिनल में। अच्छा, मैं आप लोगों को ये क्या दे रहा हूँ, अब URL दे रहा हूँ, अभी दिया नहीं है, देता हूँ अभी। तो इसके जो लॉग्स होंगे ना वो कहाँ पर आएंगे, वो इधर कहीं ना कहीं शो कर रहा होगा। मैट्रिक्स वेरिएबल डिप्लॉयमेंट, अरे कहाँ चले गए लॉग्स, हाँ ये रहे, ये रहा व्यू लॉग्स, ये आ गया लॉग्स। ठीक है, देखो अभी मैंने जितनी बार IP कॉल की वो यहाँ पे शो हो रहे हैं लॉग्स। अच्छा, पोर्ट कौन सा है, ये है पोर्ट 3000 नहीं है, 6991 है। ये कहाँ से मिला, ये इन्वायरमेंट से उठा लिया उसने खुद ही, जो मैंने लाइन लिखी थी उसके हिसाब से। अब ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये air.sysborg.com के अंदर ना मैं आपको ये URL मैंने आपको भेजा है। अब सब लोग ये URL कॉल करेंगे ना, यहाँ पे फौरन लॉग्स शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो फूड मांगेगा उसको फूड मिलेगा, जो वाटर मांगेगा उसको वाटर मिलेगा। अच्छा, अब एक चीज़ आप नोट करें, ये रीस्टार्ट करूँगा तो अगली दफ़ा नया मिलेगा। ये जब सर्वर मेरा रीस्टार्ट होगा ना तो हर दफ़ा रेलवे क्लाउड मुझे एक नया पोर्ट नंबर इशू करेगा, चलता रहेगा अभी, अब ये रुकेगा नहीं जब तक मैं इसको खुद से रीस्टार्ट नहीं करूँ, ये रुकेगा नहीं। वैसे बाय द वे इसमें आइडल मोड भी होता है, अगर मैं थोड़ी देर तक इसको यूज़ ना करूँ ना तो ये खुद से इसको रोक देता है, स्टॉप कर देता है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली यूज़ होता है फिर कुछ नहीं होता। तो अगर ऑटोमेटिक भी स्टॉप हुआ तो भी अगली दफ़ा में मुझे पोर्ट नंबर चाहिए, लेकिन मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है, पोर्ट नंबर भले वो चेंज करता रहे मेरी ऐप, उससे कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि मैंने ये बात बोली हुई है कि भाई इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो पोर्ट नंबर हो ना उस पर रन करना है, तो वो रेलवे समझे और इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो होगा वो देख लेगा रेलवे खुद, हमें कुछ करना नहीं है। तो ये हमारी ऐप अब कहाँ पे जाके डिप्लॉय हो गई, क्लाउड में। अच्छा, ये क्लाउड फ्री नहीं है, पेड है, इसका स्टार्टर प्लान है $5 ये फ्री में दे रहा है, तो इसके लिए ये फ्री में रन हो रहा है। उसके अलावा आप इसकी प्राइसिंग भी जाके देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसमें जाता हूँ और मैं कहता हूँ रेलवे ऐप प्राइसिंग, तो ये आ गया प्राइसिंग का पेज इसका। ठीक है, ये जो है ना इनका फ्री ट्रेल है, 500 आवर्स ऑफ यूजेज, ये फ्री ट्रेल है इनका, उसके बाद ये ट्रेल एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से साइक्लिक जो है उसमें क्या है, तीन ऐप उसके अंदर चल सकती है बैकवर्ड, उससे ज़्यादा नहीं चल सकती। इसमें ऐप की लिमिट नहीं है, जितनी भी ऐप चला लो, लेकिन इसमें आवर्स की लिमिट है, और शायद ये मंथली आवर है या पता नहीं, मंथली है शायद, अभी ये नहीं इन्होंने मेंशन किया कि ये मंथली है या क्या है। हाँ मंथली है, $5 यूजेज मंथली, हर महीने आपको $5 मिलेंगे इसमें फ्री के, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो ठीक है, हम डेवलपमेंट अभी तो हम सीख रहे हैं ना, सीखने के दौरान हमने थोड़ी कि इस पर कोई प्रोडक्शन की ऐप चलानी है। ये $5 मैं तो बोलता हूँ पूरे कोर्स भी ख़त्म नहीं होगा ये, आप ही लोग क्योंकि आपस में यूज़ करेंगे ना इसको, तो बस सही है, गुड इनफ है हमारे लिए। और साइक्लिक पे अगर किसी को डिप्लॉय करना हो तो वो रिकॉर्डेड है, दूसरे वाले सेक्शन को मैंने साइक्लिक पे करवाया था, तो वो भी तीसरा हरीको था, लेकिन वो अभी अपना फ्री ट्रेल ख़त्म कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, अच्छी बात ये है कि आप नॉर्थ जेएस का सर्वर किसी भी क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हैं, गूगल क्लाउड, AWS का क्लाउड, लेकिन असल में मसला ये है मैं करवाता हूँ गूगल पे, गूगल का ऐप इंजन के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ डिप्लॉय होती है, लेकिन मसला ये है वो गूगल साइनअप के वक्त ही ना आपसे क्रेडिट कार्ड मांगता है, गूगल क्लाउड पे जब आप साइन अप करते हैं ना तो उसी वक्त आपसे क्रेडिट कार्ड मांगते हैं, और $1 उसको चार्ज करके चेक भी करता है कि वैलिड है या नहीं, तो वो क्रेडिट कार्ड आप सब लोगों के पास मौजूद नहीं होगा आई एम श्योर,
कुछ एक दो के पास तो होगा लेकिन सबके पास नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लगा के चला के दिखा दूँ, फिर आपसे घर जाके वो हो नहीं तो फिर फ़ायदा क्या। मैं वो चीज़ करवाऊँगा यहाँ पे जो अभी आप फ़ौरन मुझे सामने से करके भी दिखाएं। वंस आपको डिप्लॉयमेंट आ गई ना, तो यही तरीका गूगल पे भी है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस चेंज भी नहीं है। इसी तरह उसमें भी पोर्ट्स उठा के चला रहा होता है, ठीक है, तो वो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। आप एक किसी एक पे सीख जाएंगे ना तो सबकी आपको यानी कि बेसिक आइडिया सबका आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो बस मिल गया सबको पानी और सबको खाना, और मांगना है, और मांगना है तो मांग लो। अच्छा अब चलो घर जाके मांग लेना, क्योंकि अब तो क्लाउड पे ही है। मैं जब मेरे पास ये लोकल मशीन पे चल रहा था तो मैं अपना लैपटॉप बंद करूँगा ना तो ये बंद खत्म, अब फिर कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। लोकल मशीन के ऊपर इसी बिल्डिंग के अंदर से रिक्वेस्ट की जा सकती है, वो भी जब तक मेरा लैपटॉप ऑन है और वो सर्वर रन हो रहा है। सर्वर स्टॉप तो वो भी स्टॉप। अब ये क्लाउड पे चला गया है, अब मैं ये लैपटॉप अपना बंद भी कर दूंगा और इस बिल्डिंग से उठ के घर चला जाऊंगा। आप सब भी अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन वो ऐप क्लाउड में रन होती रहेगी, वो नहीं रुकेगी, ठीक है। चलो अब अगली क्लास में आपका एक हेलो वर्ल्ड का सर्वर क्लाउड पर डिप्लॉय हुआ हुआ होना चाहिए। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम क्या पढ़ेंगे कि इस सर्वर को, अब ये जो सर्वर यहाँ पे हमने बना के क्लाउड पे चढ़ा दिया है, इसका URL मिल गया, इसको अब कॉल कैसे करें JavaScript की ऐप से। जैसे कि लास्ट टाइम हमने बनाया था वेदर ऐप, तो वेदर ऐप में हमारे पास एक JavaScript की ऐप थी एज अ फ्रंट एंड, और हम किसी दूसरे का सर्वर कॉल करते थे। तो अब हम अपना सर्वर कॉल करेंगे, और अपना सर्वर कॉल करके हम क्या बनाएंगे, एक छोटी सी टू डू की ऐप बनाएंगे कि हम फ्रंट एंड से लिखें कुछ, लिख के सेंड का बटन दबाएं, वो सर्वर पे जाके सेव हो जाए, और गेट करें तो वो सारा टू डू वापस गेट हो जाए। तो एक टू डू की ऐप हम छोटी सी, एक क्रैड ऑपरेशन, या आप उसको कह लें कि जैसे OLX होता है ना, OLX पे हम क्या करते हैं, कुछ भी लिख के सेंड करते हैं, वो ऐड जाके लग जाता है, और फिर वो सारा ऐड वापस मंगवाते हैं, यानी पेज रीलोड करते हैं तो वो पूरा ऐड उठ के वापस आता है। तो ये क्रैड ऑपरेशन अब हमने आगे हमने करना है, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इतना काम पहले कर लें, उसके अलावा फिर आपको समझ नहीं आएगा वरना ना आगे का, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।